हेलो दोस्तों, हमारे किचन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं तवे पर मिनी पिज्जा, जो एक बार में ही 4 से 6 बार बनकर तैयार हो जाते हैं और ये झटपट भी बन जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक बड़ी प्लेट में 2 कटोरी मैदा लेना है और उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 3 चम्मच दही ऐड करना है। दही को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है। जब दही मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैदे का एक परफेक्ट डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मैदे का डो तैयार हो चुका है और इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं। 2 घंटे के बाद में हम यहाँ पर 4 मिनी साइज लोई बनाएंगे, क्योंकि हम मिनी पिज्जा बनाने वाले हैं तो हम उसी साइज की लोई यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 4 लोई तैयार कर ली हैं और अब मैं इनको गोल शेप में बेलती हूँ और हम इसका बेस बनाने वाले हैं, पिज्जा बेस। तो इस तरीके से आप पिज्जा बेस घर पर बनाना चाहते हैं तो आप पिज्जा बेस भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 4 पिज्जा बेस बना करके, यानी कि बेल करके तैयार कर लिए हैं और अब एक फॉक से हम इनमें चारों ओर अच्छे से होल कर देते हैं, जिससे हमारा जो पिज्जा है वो फूलेगा नहीं। तो ये देखिए, इनमें अच्छे से होल हो चुके हैं और अब हम एक बेस को उठाते हैं और तवे पर डालते हैं और इसी तरीके से हम अपने चारों बेस को तवे पर डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड, हमको यहाँ पर इनको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है और एकदम लो फ्लेम पर ही हमको इनको सेकना है। तो इनको पलट के भी हमको 1 से 2 मिनट ही सेकना है और वो भी एकदम लो फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो मिनी पिज्जा है वो सारे अच्छे से बेस तैयार हो चुके हैं। तो सारे बेस को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और अब हम इनको पिज्जा बनाते हैं। तो बेस पर इस तरीके से हमने यहाँ पर पिज्जा सॉस लगाई है, जो कि हमने घर पर ही पिज्जा सॉस बनाई हुई है। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, मोजरीला चीज, टमाटर, गाजर, प्याज यहाँ पर इन पर ऐड की हैं। तो आप इस तरीके से इन पर ये सब वेजिटेबल जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और मोजरेला चीज इस तरीके से ऐड करके, और इनको हमको बस 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकना है। और ये देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट में ही हमारे जो मिनी पिज्जा हैं तवे पर एक साथ 4 मिनी पिज्जा बन करके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बना है हमारा मिनी पिज्जा और सारे ही मिनी पिज्जा बनकर तैयार हैं। तो इनको प्लेट पर निकाल लेते हैं और ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा जो मिनी पिज्जा बने हुए हैं वो कितने परफेक्ट बने हुए हैं। तो ये देखिए, आगे से देखिए चारों ओर से कितना क्रिस्पी सिका है हमारा मिनी पिज्जा। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, तो ये देखिए पीछे से भी कितना क्रिस्पी है मिनी पिज्जा। तो इस तरीके से अगर आप एक साथ 2 से 4 पिज्जा बनाना चाहते हैं तो तवे पर इस तरीके से आप एक बार में 4 से 6 मिनी पिज्जा बना करके तैयार कर सकते हैं और आप आसानी से इनको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको हमारे मिनी पिज्जा की रेसिपी कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।